दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई गलती से जाने अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है, तो नागिन उससे बदला जरूर लेती है। जिसने उसके नाग को उससे जुदा किया हो, फिर चाहे उसे 7 जन्म इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर पूरा करती है। क्योंकि दोस्तों, नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है, और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 25 साल के बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले अजय के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार अजय अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था, तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर अजय के साथ घर जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और अजय को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन अजय को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उसे नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। अजय इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद अजय ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई, तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए अजय को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन अजय के गांव में उसके घर के पास पहुंची, तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती, तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, अजय पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। अजय की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भाग कर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने अजय को पालने का फैसला लिया। अजय का लगाव पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं अजय भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर अजय ने कई डिग्रियां हासिल की और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद अजय अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया, तो उसे देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर अजय काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई, जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही अजय ने उस नागिन को देखा, तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहां से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो अजय की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही अजय को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही अजय ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा, तो उस नागिन ने तुरंत ही अजय के पैर को डस लिया। अजय को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ समय बाद अजय की मौत भी हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। तो दोस्तों, आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी भी बेजुबान को बेवजह ना मारें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।